हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पहले रिमझिम, फिर बरसात और फिर अचानक कड़ी धूप। मोहब्बत और अगस्त दोनों की फितरत एक सी है। वैसे एक बड़ी ही फेमस सी शायरी आपको मैं सुनाती हूँ। बारिशों का मौसम है, ऐसे में एक शायरी तो ज़रूर बनती है। आज मौसम कितना खुशगवार हो गया है, ख़त्म सभी का इंतज़ार हो गया है। बारिश की बूंदें गिरी कुछ इस तरह से, लगा जैसे आसमां को ज़मीं से प्यार हो गया है। दोस्तों, बारिश का मौसम इतना लुभावना होता है, इतना खुशमिजाज होता है, इतना खूबसूरत होता है कि बोलने में ही लगता है कि हम ऊपर से लेकर नीचे तक बारिश की बूंदों में भीग गए हैं। दोस्तों, बड़ा खूबसूरत मौसम है। ऐसे में बारिश के पानी से जहाँ एक ओर हम अपने तन मन को भिगो देते हैं, एक ओर जहाँ हम अपने ज़मीन की जो तपती हुई दाह होती है वो ठंडी हो जाती है, और दूसरी तरफ दोस्तों हम इससे अगर छोटे छोटे उपाय करें, कुछ ऐसे उपाय करें जो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, बारिश जहां एक ओर धरती पर पॉजिटिव बदलाव लाती है, वहीं दूसरी ओर हमारी ज़िंदगी में हमारे जो छोटे छोटे हम पूजा पाठ करते हैं उसमें अगर हम बारिश के पानी का यूज़ करें तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पर दोस्तों बिल्कुल बारिश की पानी से भी होते हैं बहुत ही सिद्ध चमत्कारी टोटके। आपके भी जीवन में अगर समस्याओं ने घेर रखा है, इस बार आपको बारिश के मौसम में ये छोटे छोटे टोटके करके अपनी जीवन की समस्याओं से आप मुक्ति पा लीजिए। दोस्तों, बारिश का पानी आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली लाएगा, और तंत्र साधना में, तांत्रिक साधना जो भी हम पूजा कहते हैं दोस्तों, उसमें बारिश के पानी के कुछ ऐसे खास टोटके बताए गए हैं जो व्यक्ति की तकदीर को मिनटों में बदल के रख सकते हैं। बारिश का ये टोटका जो मैं बताने जा रही हूँ, आपके दुख को ख़त्म करके आपको सुख से मिलवा सकता है। आपके घर में अकस्मात इतनी धन की बारिश हो सकती है आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे। आप एक एक पैसे को मोहताज हो और ऐसे में आपके घर में अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, आप खुद शॉक हो जाएंगे कि ये पैसा कैसे आ गया। दोस्तों, बारिश का पानी इतना लाभकारी है ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको अचानक धन लाभ हो तो एक काम आपको करना है, आपके जो घर का ईशान कोण है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उसमें बारिश का पानी आपको जमा करना है। किसी भी तरह से आप जमा कीजिए, कोई टंकी रख के कीजिए, कुछ बनवा कर कीजिए, पर यहाँ पर आपको बारिश का पानी जमा करना है और आप देखेंगे कैसे आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, परिवार में अगर हर समय लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्लेश रहता है, सुख नहीं आ पा रहा है, एकता नहीं रहती है परिवार में, तो ऐसे में दोस्तों चतुर्मास है, चौमासा है, बारिश ही बारिश है, सावन भादो सब आने वाले हैं दोस्तों, और ऐसे में अगर विष्णु भगवान शयन शैया पर हैं और बारिश का जल से भगवान विष्णु का आप अभिषेक करें और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप कंटिन्यूस 108 माला का जप करें, दोस्तों ऐसा आपको कम से कम 11 दिन करना है, और 108 बार इस मंत्र को करके आपको विष्णु भगवान को 4 तुलसी पत्र चढ़ाने हैं और विष्णु भगवान की लौंग और कपूर से आरती करनी है। आप देखेंगे आपके घर में सुख ही सुख बना रहेगा। दोस्तों, बारिश में अगर आपका व्यापार कुछ पिछले समय से डाउन है, ऐसे भी बारिश के मौसम में यूजुअली बिजनेस, छाते का बिजनेस छोड़ के मुझे लगता है बाकी सारे, छाते रेनकोट छोड़ के सारे बिजनेस डाउन हो जाते होंगे, तो अगर आपके जीवन में परेशानियां काफ़ी समय से चल रही है तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम बताती हूँ, वो आपको करना है। एक साफ पीतल का लोटा या पीतल का बर्तन ले लीजिए और उसमें बारिश का पानी जमा कर लीजिए। फिर इस जल से आपको किसी भी शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता का अभिषेक करना है।
अभिषेक करके आप चाहें तो साथ साथ पंचामृत से भी अभिषेक करें, और नहीं तो सिर्फ बारिश के पानी से अभिषेक करें। साथ में लक्ष्मी माता के कोई भी मंत्र का आप जप करें और ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा बोलते बोलते आपको 108 मंत्रों की माला करनी है और फिर लक्ष्मी माता की आरती करनी है। लक्ष्मी माता को थोड़ा सा मीठा हलवा या बादाम किसी भी चीज़ का भोग लगाएं और आप देखेंगे दोस्तों आपके जीवन में कैसे करामाती बदलाव आते हैं और लाभ ही लाभ की प्राप्ति होती है। बारिश के पानी से आप एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास है, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में भरी पड़ी है और आपने बहुत सारे उपाय किए हैं, तो बारिश का मौसम बिल्कुल करेक्ट टाइम है दोस्तों इन नेगेटिव शक्तियों को मार भगाने का। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि बारिश का पानी आपको किसी भी बर्तन में ले लेना है और फिर इस जल को साफ जमीन पर रख करके कम से कम 51 बार हनुमान चालीसा का आपको जप करना है। बाद में पूरे घर में और आप अपने सारे लोगों पर आप इस जल से वर्षा करें। कोई भी स्प्रेयर आता है ना जिससे आप हेयर स्प्रे करते हैं घर पे या फिर अपनी विंडोज़ वगैरह क्लीन करने के लिए स्प्रेयर रखते होंगे, वो स्प्रेयर आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों और पूरे घर में वर्षा के जैसे इसको आपको छिड़कना है। आप खुद देखेंगे इससे आश्चर्यजनक लाभ होगा। आपके घर में जितने भी लोगों की नेगेटिव मेंटालिटी है, नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, उन सब के दिमाग पॉजिटिव चीज़ों की ओर दौड़ने लगेंगे और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत दिन से सही नहीं हो रहा है और ये बीमारी आपकी सर्दी या ठंड लगने से नहीं है दोस्तों, तो बारिश के जल में नहला दीजिए उस पर्सन को और नहाते वक्त उनको महामृत्युंजय मंत्र का जप 1000 बार करना है। 1000 बार कैसे करना है? वर्षा रुक भी जाए तो मंत्र का जाप करते रहना है या फिर किसी भी वीडियो या सीडी में मंत्र आप जप लगा के छोड़ दें। दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से लाभ की प्राप्ति होती है और हेल्थ में सुधार हो जाता है। अगर कर्जा चढ़ गया है तो घर पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, बारिश का पानी किसी बाल्टी में आपको जमा करना है और इसके अंदर हो सके तो कच्चा दूध डालें, कच्चा ना भी हो तो थोड़ा सा साबुत दूध डाल लें दोस्तों और अपने इष्ट देव को याद करते हुए आपको इस बारिश के पानी से अपने ऊपर वर्षा कर लेनी है, यानी कि आपको नहा लेना है। आप देखेंगे कैसे आपके ऊपर फटाफट कर्जा धीरे धीरे रास्ता खुलने लगेगा और कर्ज चुकाने के सारे उपाय आपको नजर आने लगेंगे। दोस्तों बारिशों का मौसम बड़ा ही रंगीन सा मौसम है, दिल को लुभाने वाला मौसम है और खासकर सावन भादों के महीने में आती है दोस्तों, शिव बाबा का महीना है। और बारिश के जल के लिए एक खास बात ये बताई जाती है कि बारिश सावन के माह में तो होनी ही होनी है, और अगर इस माह में कोई भी व्यक्ति बारिश के पानी से शिव जी का अभिषेक कर दे तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, भोले बाबा उनके सभी कष्टों को काट देते हैं और दोस्तों वो पर्सन बाहुबली बन जाता है। दोस्तों बारिश के टोटके आपको बता रही हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे इजी से और एक बहुत अच्छे हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो आपको बारिश के जल से गणेश जी का अभिषेक करना है दोस्तों, और आप देखेंगे कितने साथ ही साथ आपको पंचामृत से भी अभिषेक करना चाहिए अगर पॉसिबल हो, और अभिषेक करने के बाद दुर्वा जरूर चढ़ाएं। 108 दुर्वा की गांठ रख करके कोई भी बारिश के जल से अभिषेक करने के बाद गणेश जी के सामने बैठ करके आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आप जप कर लें। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप 21 दिन तक ये काम कर लेते हैं और साथ में गणेश जी को रोज सिंदूर चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी आपकी शादी के योग बन जाते हैं। दोस्तों बारिश के पानी के उपाय अगर मैं बताऊँ, आपको बताते चले जाऊँ, बहुत सारे उपाय हैं, एक से एक उपाय हैं, और कर लीजिए इसमें से कोई भी। तो अगर कोई भी इंसान बारिश के जल से ये टोटके करता है तो पक्का उसको 100% गारंटी होती है दोस्तों कि उसको लाभ होता ही है। तो इस बारिशों का मौसम है दोस्तों, और
और ऐसे में पंकज उदास जी की कुछ लाइनें याद आती है, आई बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है। भगवान से अपनी चाहत जोड़ लीजिए दोस्तों, और देखिए कैसे भोले बाबा आपकी आपकी सारी दुख दुविधा दूर करके देवी देवता आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें अपने भाइयों बहनों से, अपने मम्मी पापा से, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के ज़रूर पूछ लें। जय माता दी एंड टेक केयर।